इधर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कांग्रेस में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बहिष्कार को लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है, वहीं विपक्ष भी पटवारी का साथ नहीं दे रहा है। जीतू पटवारी जी एक ट्वीट के मास्टर हैं, हमेशा ट्विटर खेलते रहते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि किसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, उसके ऊपर ट्वीट करना गलत है। और मुझे ये लगता है कि आज के बाद उन्हें सबक मिल गया होगा। वहाँ कोई बात अगर आई है, संसदीय कार्य मंत्री ने अगर ये बात रखी है, तो हाउस में आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नाथ साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम भी उसमें सहमत नहीं है, तो अपनी राय को बता दिया उन्होंने। समझाइश दी जाएगी, ये तो पार्टी तय करेगी। आगे जो भी तय होना है आदरणीय नाथ साहब करेंगे, पार्टी तय करेगी, कांग्रेस तय करेगी। आप कौन से जिन्न की आत्मा अंदर घुस गई है जिसके कारण आपने सपनों में पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया? मेरा कहना पहले उसको पढ़ते, आप अध्ययन करते, आप विधानसभा में आते, विधानसभा में दिया गया है। लेकिन आपने बगैर पढ़े लिखे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का ट्वीट करके विरोध किया, लेकिन आप स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बहिष्कार करना एक घोर निंदनीय है। जीतू पटवारी को कांग्रेस के बड़े नेता बनने का एक चस्का, एक खूबिया घुस गया। आप बनिए, कांग्रेस के बड़े नेता बनिए, हमारे शुभकामनाएं हैं। उनके ही नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भी इस बात का विरोध किया, मैं उनका स्वागत करता हूं कमलनाथ जी का। मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। आरोप लगा रही है, देखिए वो उन्होंने आरोप यहां पर जो लगाया कांग्रेस ने, वो हम पे नहीं लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया है। मीडिया हमेशा संभावनाओं पर अपने सूत्रों के हवाले से ऐसा 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 छापता है। इसमें लीक कहां से हुआ? लीक तो जब होता जब वो कोई प्रमाण देते। अरे भाई जितने भी लगा रहे हैं प्रमाण देना, कार्रवाई होगी।